प्रधानमंत्री जी जब परिवारवाद पे भाषण देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनका गृह मंत्री उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर परिवारवाद पे प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं तो गृह मंत्री जी को उसको संज्ञान में लेना चाहिए और अपने बेटा को बीसीसीआई सेक्रेटरी पोस्ट से हटवाना चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं, आज के डेट में मोदी जी का सबसे विरोधी जो है ना वो अमित शाह है। मोदी जी कुछ बोलते हैं उससे अंतर विरोधी बयान वो दे देते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि 41,000 का टी शर्ट पहन करके बगले में मोदी जी बैठे हुए थे, 1.5 लाख का चश्मा पहन करके। ये समझ रहे हैं, अगला ये ना हो कि जो इधर परिवारवाद पे भाषण देते रहे और इधर अमित शाह जी जैसे स्टेडियम का नाम का घोषणा कर दिया ना कहीं, जैसा को जो है गुजरात का मुख्यमंत्री का घोषणा ना कर दे। इधर अगर आप राजीव गांधी भवन में आए हैं तो आपके ऊपर सब आरोप लगेगा, हिंदू विरोधी होने का, देश विरोधी होने का। और उधर रास्ता बदल करके भाजपा ऑफिस जाइए, सब आरोप रास्ते में धुल जाएगा, सर्विस हो जाएगा एकदम, वॉशिंग चकाचक। कि जो है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है बीजेपी चुनाव नहीं हारी है, हारी है। अभी जो है बिहार में सरकार बदल गई, क्या हो गया, ईडी सीडी बैग चाणक्य नीति, क्या हो गया। मोरबी की घटना ने गुजरात पर कितना बड़ा कलंक लगाया है, इस पर हर गुजरात के व्यक्ति को सोचना जरूर चाहिए। गुजरात को यह तय करना पड़ेगा कि सचमुच का गांधी पटेल वाला गुजरात मॉडल चाहिए कि झूठ का मॉडल चाहिए। सबसे पहले तो भारत जोरो यात्रा की तरफ से, सभी यात्रियों की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हार्दिक अभिनंदन। और दूसरी बात ये कि आपके माध्यम से हम गुजरात की जनता को एक बात कहना चाहते हैं कि आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और बिरसा मुंडा जी इस देश के भीतर गुलामी के खिलाफ लड़ने के एक प्रतीक हैं, एक नायक। वो कहते थे कि झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, चोरी मत करो, अंधविश्वास को मत पालन करो, डायन भूत प्रेत पिशाच को मत मानो, कर्म करो, मेहनत करो। आप चाहे बिरसा मुंडा जी के विचारों को पढ़ें या गांधी को पढ़ें तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगा कि हर कोई बुरी आदत ना करें, सत्य बोले, इसकी बात करते रहे हैं। और हमारा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि गुजरात देश का एक ऐसा प्रदेश है जो आज सोचेगा, आज जो निर्णय लेगा उसका असर आने वाले दिनों में पूरे देश पर पड़ता है। मसलन आप इस देश की राजनीति को देख लें, अर्थव्यवस्था को देख लें, या दुनिया में जो भारतीय लोगों का एक नेटवर्क है उसमें गुजरात एक अग्रणी स्थान रखता है। गुजरात के पास देश का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है और गुजरात ने हमेशा से इस देश में राजनीतिक परिवर्तन की सुगबुगाहट को पहले महसूस किया है। मैं यहाँ कांग्रेस भवन में इस बात को दोहराना चाहता हूँ, हालांकि ये हमारे खिलाफ है, कि कांग्रेस के विरोध में भी जो छात्र आंदोलन हुए उसकी सुगबुगाहट गुजरात से शुरू हुई। गुजरात के लोगों ने राजनीति के भीतर भी एक बहुत बड़ा संदेशा दिया कि एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। तो गुजरात क्या निर्णय लेता है इसका असर देश पर पड़ता है। इस चुनाव में हम गुजरात के लोगों को कोई ज्ञान नहीं देना चाहते हैं। गांधी की धरती को क्या ज्ञान देंगे, पटेल की धरती को क्या ज्ञान देंगे, वो खुद समझदार हैं और अपना जीवन वो जी रहे हैं, उसके जद्दोजहद में वो लगे हुए हैं। लेकिन उनसे हम एक आग्रह जरूर कर सकते हैं इस देश का नौजवान होने के नाते, और मैं बिहार से हूं और गुजरात से हमारा एक संबंध है, उस संबंध के नाते कि आपके यहाँ मोहनदास करमचंद पैदा हुए थे, वो गांधी बिहार जाकर के हुए चंपारण से, तो पूरे देश के युवाओं के बिहाफ पर कांग्रेस पार्टी के मंच से देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता होने के चलते ये अपील जरूर हम करना चाहेंगे कि अब वक्त आ गया है
27 साल हो गए हैं, गुजरात को फिर से देश में एक नई राजनीति की सुगबुगाहट महसूस करनी चाहिए। मैं बाहर से आकर के कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, बस मैं आपसे इस देश का आम नागरिक होने के चलते एक आग्रह कर रहा हूं कि प्रभु श्री राम जी का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था। 27 साल आप एक ही पार्टी को मौका दिए हैं और उसके सारे परिणाम आपके आंखों के सामने हैं। एक गुजराती से बेहतर गुजरात मॉडल का सच कोई नहीं जानता है, और हम बार बार कह रहे हैं कि हम मोरबी पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन मोरबी की घटना ने गुजरात पर कितना बड़ा कलंक लगाया है, इस पर हर गुजरात के व्यक्ति को सोचना जरूर चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई व्यक्ति पब्लिक का पैसा लूट करके भाग जा रहा है और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन आपके राज्य से जो है जुड़ जाता है। यह जिम्मेवारी है आज कि गुजरात इस देश की राजनीति को बदले। इस बार का चुनाव अनावश्यक भावनात्मक मुद्दों पे नहीं, जीवन की जो ठोस समस्याएं हैं उस पर होनी चाहिए। और जीवन की ठोस समस्याएं ये है कि गुजरात के किसान को भी उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, गुजरात में भी पीने के पानी का संकट पैदा हुआ है, गुजरात में भी झुग्गियां हैं। मैं भी आ रहा था साबरमती आश्रम के ठीक सामने, मैं उन बस्तियों को देख रहा था, फिर मुझे समझ में आया कि जब बाहर से कोई अतिथि आते हैं तो क्यों झुग्गी बस्तियों को ढक दिया जाता है, ताकि सच ना दिखे। ये मौका है कि गुजरात अपने सच को स्वीकार करे कि सबसे ज्यादा बिजली के दाम यहां वसूले जाते हैं। रास्ते में मुझे वो थर्मल मिला था। सबसे ज्यादा जो है करप्शन के मामले यहां आए हैं मनरेगा के अंदर, सबसे ज्यादा आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हुई है। ये तमाम मुद्दे हैं गुजरात के। गुजरात को यह तय करना पड़ेगा कि सचमुच का गांधी पटेल वाला गुजरात मॉडल चाहिए कि झूठ का मॉडल चाहिए। और झूठ कैसा है मैं आपको सीधा बता देता हूं। जब से प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हुए हैं, गुजरात को उन्होंने छोड़ दिया है, और छोड़ने का सीधा परिणाम ये देख लीजिए कि 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो मोदी जी से ये सवाल गुजरात के लोग पूछें कि आप एफिशिएंट थे, आप लगातार मुख्यमंत्री रहे और आप ही मुख्यमंत्री रहे, आपको 3 मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया है, तो आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया कि गुजरात ने आपके ऊपर भरोसा करके गलती कर दी। यह प्रश्न गुजरात के लोगों को ही पूछना चाहिए, हम नहीं पूछ सकते हैं कि क्या आनंदीबेन पटेल जी में क्या दिक्कत थी, और दिक्कत थी तो क्यों चुना, फिर उनको रिप्लेस करके रूपानी जी को लाए, उनमें क्या दिक्कत थी, और दिक्कत थी तो उनको चुना क्यों, फिर भूपेंद्र साहब को लेकर के आए, वो तो आप लोग उसके पास क्लिप होगा, आप मीडिया के साथी हैं, ऊंघ रहे थे, बगल वाला बोला कि मुख्यमंत्री बन गए बधाई हो, बोला भरोसा ही नहीं हुआ। ये एक संवैधानिक पद का अपमान है। और फिर कांग्रेस से पूछते हैं कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, गुजरात की जनता आशीर्वाद दे, ऑथेंटिक चेहरा होगा, और 8 वचन हमारा चेहरा है, व्यक्ति चेहरा नहीं, वो वचन चेहरा है, और वो वचन गुजरात के लोगों से जुड़ा हुआ है। हम कह रहे हैं कि लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए, कोरोना में जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनकी जान गई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम मिलना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोग हैं, आप सब तो करते ही हैं, क्या पता कब जो है मैनेजमेंट से फोन आ जाए कि कल से मत आना, तो कल से नहीं आएंगे तो परसों से ईएमआई कैसे देंगे, कार का, घर का। ये जो संकट है, और ये हम बोल नहीं रहे हैं, आपको ये सूचना मिली होगी कि राजस्थान में संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया गया है। हो सकता है कि कांग्रेस से आपके कई सवाल होते ही हैं, मुझे अपने माँ बाप से कई सवाल होते थे, कई बार लगता था कि हमको कम भाई को ज्यादा या भाई को ज्यादा हमको कम। कांग्रेस आपकी पार्टी है, आप सब सवाल पूछिए, लेकिन जो सवाल आप उठाते हैं, पहला तो वो सवाल आपको पूछने का हक है, दूसरा उस सवाल पे अगर हमारी सहमति होती है
तो उस सवाल को हल करने का भी इतिहास है। तो यहां तो हम वहां पहुंच गए कि आप सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं। और जो परिस्थिति बना दी गई है कि गांधी और पटेल के मॉडल को आज झूठ का मॉडल बनाया जा रहा है, कैसे? प्रधानमंत्री जी जब परिवारवाद पे भाषण देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनका गृह मंत्री उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर परिवारवाद पे प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं तो गृह मंत्री जी को उसको संज्ञान में लेना चाहिए और अपने बेटा को बीसीसीआई सेक्रेटरी पोस्ट से हटवाना चाहिए कि नहीं भाई, परिवारवाद नहीं चलेगा। आप लोग अहमदाबाद में हैं, अहमदाबाद में परिवारवाद नहीं हुआ है, नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं दिया गया है। 10 से ज्यादा टिकट जो है नेताओं के बच्चों को दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा। और मजेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री के बेटा को बगल में बिठा करके प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे बात करते हैं। हम कहते हैं कि देश के नौजवानों को सोचना पड़ेगा। तमाम तरह की भावनात्मक बातें करके हमारे जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह कर दिया गया है। ना रोजगार की बात, ना जो है मजदूरों को उनके काम के दाम की बात, ना जो है किसानों को उनके फसल के दाम की बात, ना महिला सुरक्षा की बात। अब आप मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति बलात्कार के आरोपियों को प्रेज करे, इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा? और हम किस परिस्थिति पे आकर के आज खड़ा हो गए हैं कि गांव हो शहर हो, हर जगह महिलाओं के ऊपर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ा है, हर 16 मिनट में हमारे देश में किसी ना किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है, बलात्कार होता है। इसी स्थिति में देश के आम लोगों को, जिनसे उनका जीवन सीधे प्रभावित होता है, क्या भावनात्मक बातें की जा रही हैं उसको अगर आप हटा दें तो हर किसी का, चाहे आपका पूजा करने का, इबादत करने का, भगवान को मानने का जो भी तरीका हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, पेट्रोल पंप वाला कोई जो है भेदभाव नहीं करता है। मेरा नाम कन्हैया, 100 रुपया, पवन जी 100 रुपया, पत्रकार 100 रुपया, नेता 100 रुपया, ये रियलिटी है। तो हम समझते हैं कि ये मौका है कि गुजरात का चुनाव इस बार लोगों के मुद्दों पर होगा। और बाहर तमाम तरह की बातें की जा रही थी, मैं अभी एक सभा से लौट रहा हूं, मुझे भी जब दूर था गुजरात चुनाव से तो कई तरह की बातें की जा रही थी, इसका नाम उसका नाम। यहां आकर के मुझे लगा कि गुजरात के लोगों के मन में कोई दुविधा नहीं है, सीधी लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। जो लोग बीजेपी को पसंद करते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन जो लोग खुद को पसंद करते हैं, जिनको अपने मुद्दों से प्यार है, वो कांग्रेस को वोट करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में निभा रही है, हमारी भावना गुजरात के साथ है। गुजरात के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो जो 8 वचन बोले गए हैं उन वचन को निभाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल देखिए, प्रचार को लेकर के एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि वहां भी मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल जी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हमसे ज्यादा बड़ा सवाल है, तो मैं उसी को एड्रेस कर देता हूं। दोनों काम अलग अलग नहीं है, एक ही पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा भी ऑर्गेनाइज कर रही है और चुनाव भी लड़ रही है, तो हम लोग काम बांट करके करते हैं, एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह। कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और चुनाव हो रहा है तो जो है बिल्कुल आपस में कोई अंतर विरोधी बात है। सामंजस्य बिठाने का सवाल है और सामंजस्य की कोई तकलीफ है नहीं, भारत जोड़ो यात्रा भी चलती रहेगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में 7 दिन 8 दिन 10 दिन पे ब्रेक होता है, जैसे आप पीछे देखे होंगे कि दिवाली पे ब्रेक हुआ है, अभी जो है 13 तारीख को ब्रेक हुआ था, फिर 21 तारीख को ब्रेक होगा। तो जो ब्रेक के दिन होंगे उन दिनों में स्वाभाविक रूप से हमने कहा कि गुजरात से हमको बड़ी अपेक्षा है, सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता के चलते नहीं, इस देश का एक साधारण नौजवान होने के चलते गुजरात से बड़ी अपेक्षा है कि गुजरात अगर सकारात्मक परिवर्तन करेगी, सकारात्मक मुद्दों पर अगर गुजरात का समर्थन हमको मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और कहते हैं ना कि किसी समस्या की शुरुआत जहां हुई है, असल में निदान भी उसका वहीं पे होता है।
इस देश में जो राजनीतिक मॉडल खड़ा हुआ है उसका निदान भी यही है। तो गुजरात से विशेष प्रेम है, स्नेह है, जब भी मौका होगा जरूर आएंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी बिना रुके हुए निर्वाह तरीके से कदम दर कदम अपने मंजिल को प्राप्त करेगी और दोनों साइमल्टेनियस चलेगा। ये अभी कुछ भी कह दें हम इन्हें बुलाएंगे। देखिए, हम युवाओं के बीच मुद्दा लेके जाएंगे, मैं उस परिस्थिति में नहीं हूँ। युवा एक्चुअली मुद्दा लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं के बीच जो है चले गए भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, दक्षिण से लेकर के अब हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, यात्रा अभी महाराष्ट्र में है और मेरे ख्याल से गुजरात में भी ये मुद्दा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। वाकई जो इस देश के नौजवान हैं वो बेरोजगारी से परेशान हैं और हर तरह की बेरोजगारी है। मान लीजिए जो ऑलरेडी स्किल्ड लोग हैं उनकी भी बेरोजगारी है और जो लोग कोई स्किल नहीं लिए हैं उनकी तो बेरोजगारी है ही। जैसे यात्रा के दौरान जो लोग आकर के मिलते हैं, जो डेलीगेशन मिलता है, तो हमने देखा कि जो ट्रेंड टीचर हैं वो भी बेरोजगार हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो भी बेरोजगार हैं, MBA किए हुए हैं, दूसरे तरह के उनके पास टेक्निकल हैंड है, मल्टीपल टेक्निक किया है, ITI किया है। इसके साथ साथ जो आर्मी एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं, जो PCS की तैयारी करते हैं, कलर की तैयारी करते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। और इसमें इजाफा हुआ है, खास करके आप लोग अगर न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो जो हाईली पेड प्रोफेशनल्स थे आज के डेट में वो भी बेरोजगार होना शुरू हो गए हैं। फेसबुक के भीतर जो है बड़ी छटनी की गई है और आप जानते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे काम करते थे। तो कोरोना के बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी कई कॉरपोरेट ऑफिसेस में बड़े पैमाने पे छटनी की गई है। तो नौजवानों का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। नहीं, ये उन्होंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा था। मेरी लोकप्रियता या मेरा पैमाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश इम्पोर्टेंट है। देश का जो होगा वही कांग्रेस का भी होगा, उसी तरह से जो कांग्रेस का होगा वही कन्हैया का भी होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। ना, ऐसा नहीं है। कांग्रेस उनके लिस्ट में है और आप इसको ठीक से देखेंगे तो समझ जाएंगे। वैसा कांग्रेस उनके लिस्ट में नहीं है जो गांधी और पटेल के मूल्यों पर चलता है। वैसा कांग्रेसी तो है ही उनके लिस्ट में। अभी अगर आप आंकड़ा निकाल के देख लेंगे, जब से जो है मुख्यमंत्री थे मोदी जी और अभी तक प्रधानमंत्री तक, कई जो है कांग्रेसियों को उन्होंने जो है भाजपा ही बनाया है, जिनको वो सब कुछ कहते थे। हर वो आरोप जो वो आज हमारे ऊपर लगाते हैं ना, कल वो उन लोगों के ऊपर भी लगाते थे। लेकिन BJP वाशिंग मशीन है, इधर से डिटर्जेंट डाल करके सदाचारी भ्रष्टाचारी तुरंत कन्वर्ट कर देती है। चंद्रकांता सीरियल में जैसे अय्यार रूप नहीं बदल लेता था, कि इधर अगर आप राजीव गांधी भवन में आए हैं तो आपके ऊपर सब आरोप लगेगा, हिंदू विरोधी होने का, देश विरोधी होने का। और उधर रास्ता बदल करके भाजपा ऑफिस जाइए, वो सब आरोप रास्ते में धुल जाएगा, सर्विस हो जाएगा एकदम, वॉशिंग चकाचक। तो ये सब ना कहने की बात है। कांग्रेस दूर दूर तक हमारे लिस्ट में नहीं है। दूर दूर तक लिस्ट में नहीं है तो दिन भर TV पे ये डिबेट क्यों चलता है? दिन भर WhatsApp पे मैसेज क्यों आता है? क्या बोलने की जरूरत है? अभी हम तो बार बार कह रहे हैं, आज के डेट में मोदी जी का सबसे विरोधी जो है ना वो अमित शाह है। मोदी जी कुछ बोलते हैं उससे अंतर विरोधी बयान वो दे देते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि 41,000 का T-shirt पहन करके बगले में मोदी जी बैठे हुए थे, 1.5 लाख का चश्मा पहन करके। ये समझ रहे हैं आप? मोदी जी इधर से कहते हैं परिवारवाद, उधर से जो है उज्जैन शाह को कुछ दे देते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी सम्मानित हैं, इधर उधर की बात ना करें, देखें कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है। कहीं अगला ये ना हो कि जो इधर परिवारवाद पे भाषण देते रहे और इधर अमित शाह जी जैसे स्टेडियम का नाम का घोषणा कर दिया ना, कहीं जैसा को जो है गुजरात का मुख्यमंत्री का घोषणा ना कर दें। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी है वो लिखते दे रहे कि कांग्रेस की केवल 5 सीटें हैं कि गुजरात में। कौन दे रहे हैं? केजरीवाल जी। अच्छा, तो लोकपाल आया, लोकपाल बन गया। हम दिल्ली से आते हैं, कहाँ ये सब सवाल का कोई मतलब है। गुजरात पे पूछिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं
दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सही बात है, हम दिल्ली के ही मुख्यमंत्री को हम जानते हैं जंतर मंतर के दिनों से, उस समय हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो आप भी जानते हैं, वैसा थोड़ी है नहीं जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कागज पे लिख करके हम यहाँ कुछ भी कह दें, फैसला कौन करेगा? गुजरात के लोग करेंगे ना, तो उनको करने दीजिए ना, और गुजरात के लोग ये फैसला करेंगे, हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने मुद्दों पे फैसला करेंगे, जो उनकी समस्या वो उस पर फैसला करेंगे। ये WWF का मैच चल रहा है, हमारा जो है बाइसेप्स ज्यादा है, हम ज्यादा बढ़िया कागज पे लिख दिए हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बहुत हम्बली कह रहा हूँ, गुजरात के लोग, लोगों को कोई बाहर से आकर सिखाए ना, गुजरात दुनिया को सिखाती है, तो अपना ज्ञान लोग अपने पास रखें। गुजरात के लोगों से बस हम अपील कर रहे हैं कि आप सोचिए, और आप जब भी सोचते हैं ना तो देश बदलता है, बस हम यही आग्रह कर रहे हैं। हम अपने नहीं, इसका एक जवाब है मेरे पास, सिर्फ एक जवाब है, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़ा हो रहे हैं। व्यक्ति के साथ खड़े होइएगा धोखा खाइएगा, विचार और पार्टी के साथ खड़े होइएगा तो उसकी गारंटी होगी। अच्छा आप मुझे ये बताइए, सोच के बताइए, एक व्यक्ति जो कभी बीजेपी में नहीं जा सकता है वो राहुल गांधी है कि नहीं है? सबको पता है ना। तो अगर आप देख ही रहे हैं, हालांकि मैं इस पैटर्न को मानता नहीं, मैं बार बार कहा कि मेरे लिए फेस वो आठ वचन होगा, लेकिन अगर आप यही मानते हैं तो देख लीजिए सबसे क्रेडिबल फेस कौन है देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो आप उसको पूरा नंबर दीजिए ना। विराट कोहली को जो है टीम दे दीजिएगा और बैठ ही नहीं दीजिएगा, मैच कैसे होगा बताइए? आप फुल मेजोरिटी कहीं भी आती है तो वहां बैग काम नहीं करता है, वहां डर भी काम नहीं करता है। और ऐसा हुआ है क्या कि जो है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है बीजेपी चुनाव नहीं हारी है? हारी है। अभी जो है बिहार में सरकार बदल गई, क्या हो गया? EDCD बैग चाणक नीति, क्या हो गया? नंबर आपके फेवर में रहेगा डेमोक्रेसी में तो कुछ नहीं होगा। बंगाल में क्या हो गया? चुनाव हार गए, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। और बंगाल में क्या हो रहा है? बाबुल सुप्रियो कहां था? कहां था बताइए? बीजेपी में था ना, कहां चला गया? बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि राजनीति में एक्सिस क्या है, पैराडाइम किधर शिफ्ट होता है। जो आदमी क्रेडिबल है, ईमानदारी से लड़ रहा है, उसके बारे में तमाम व्हाट्सएप मैसेज आपके पास पड़ा हुआ है, राजकुमार कहते हैं, तो मैं कहता हूं शर्त लगाते हैं कि बीजेपी का कोई नेता रोज 25 किलोमीटर चल करके हमको दिखाए। जो आदमी क्रेडिबिलिटी से लड़ रहा है उसके बारे में गलत बयानी है, और ये कंफ्यूजन है कि इसको वोट दे दोगे तो वो वहां चला जाए। उसको वोट दिए कहां? आप व्यक्ति को वोट दिए, आप पार्टी और विचार को फिल्म फुल मेजोरिटी देकर के देखिए, क्या कांग्रेस इस देश में चला ही नहीं है सरकार? ये कैसी बात है? क्या कांग्रेस को तजुर्बा नहीं है? कांग्रेस को देश चलाने का तजुर्बा नहीं है? ये सब बेकार की बातें हैं, ये जानबूझ करके चुनाव में ऐसी बातें की जाती हैं, ताकि मैंने आपको कहा कि जो जिनको बीजेपी से प्यार है, अपना दिल दे दिए सनम, तो वो तो उसी को वोट करेंगे, लेकिन जिनको परिवर्तन चाहिए उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब आप रोड पार करते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना, नदी पार करते हुए कंफ्यूज कर जाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। कंसोलिडेशन अगर वोट का होगा, फुल मेजोरिटी होगी, कोई नहीं जाएगा, नहीं जाता है, जहां आप नंबर जहां 10, 20, 5, 10 का गैप होता है वहां चला जाता है। तो जनता अगर परिवर्तन का मूड बनाती है ना, तो फिर फ्लड गेट ओपन हो जाता है, फिर वहां ये गिनती काम नहीं करती है। 27 सालों से यहां पे पवन जी, कब तक राहुल गांधी आने वाले हैं, क्या शेड्यूल बनाया? हाँ शेड्यूल मैं अभी तो कैसे बताऊं, लेकिन जब बनेगा तो मुझे लगता है मुझे भी आपसे ही मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों की नजरें, कान और आंखें बड़ी मजबूती से आप लगाए हुए हैं हमारी पार्टी पर, अच्छा लगता है ये देखकर। बहुत जल्दी आपको साझा किया जाएगा। केजरीवाल जी जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक जिस हिसाब से परिवर्तन किया है, या सही में एक ऑर्डिनरी सिटीजन होने के नाते आपको महसूस हो रहा है? देखिए, एक तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि बेचा क्या जाता है, ठीक है, वादा क्या किया गया है, और अल्टीमेटली डिलीवर क्या हुआ,
ये तीन पॉइंट को ना देखना चाहिए। तो वादा क्या किया गया वो तो उस पर आप किसी से भी दिल्ली में पूछ सकते हैं। अन्ना आंदोलन जहां से शुरू हुआ उसमें जो वादे थे वो बात भुला दी गई है। जो कहते हैं ना कि कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, कुछ तो बीजेपी में ही है सीधे सीधे, और जो है कुछ हैं अपनी पार्टी बनी हुई है, कुछ जो साथ लड़ना शुरू कर दिए थे आज उनके साथ नहीं है। मैं बड़ी याद मतलब नोटिस करके आपको बताना चाहता हूँ, उस पूरे मूवमेंट में जो है योगेंद्र जी भी थे और हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां से देख रहे हैं। तो जो वादे किए गए थे वहां से बात आगे बढ़ गई। बाद में फिर ये कहा जाने लगा कि स्कूल अच्छा हो गया। तो कोविड दिल्ली में था ना, मैं था दिल्ली में, नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन का सिलेंडर। जैसे आपको अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, दिल्ली में भी नहीं मिल रहा था, ये हमने देखा है। तो इसका मतलब जो बेचा जा रहा है और जो डिलीवरी हो रही है उसमें भी फर्क है। सवाल क्या है कि एक ना माहौल, एक परसेप्शन बनाया जाता है। हम कहते हैं कि उस माहौल और परसेप्शन को बनाने के लिए आप कुछ भी कहिए। हकीकत यह है गुजरात में कि या तो आप जो लोग वोट करना चाहते हैं बीजेपी को, बीजेपी को ही रखना चाहते हैं, उनके लिए विकल्प बिल्कुल साफ है। जो लोग बीजेपी से को नहीं चाहते हैं, गुजरात में परिवर्तन चाहते हैं, उनके मन में दुविधा पैदा की जा रही है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है मौजूदा हालात में गुजरात में, मैंने 100 साल 150 साल की भविष्यवाणी यहां नहीं कर रहा हूं, वो मेरी क्षमता मेरी औकात नहीं है, लेकिन अभी अगर किसी को परिवर्तन चाहिए गुजरात में तो उसके सामने कांग्रेस एक विकल्प है। बाकी कौन क्या कह रहे हैं क्या लिख रहे हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो जो हम कहते हैं वो जैसा कि भुवन जी ने कहा वो गुजरात की जनता के लिए इम्पोर्टेंट है। हर कोई चाहता है कि बिजली के दाम कम हो, उसके यूनिट फ्री हो, उसको जो है मुआवजा मिले, उसको जो है मेडिकल बीमा मिले, संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाए, किसानों को उनके फसल का दाम मिले, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले, यही गुजरात के मुद्दे हैं ना। और जब हम हराने में सक्षम हैं तो जो लोग हराना चाहते हैं उनके सामने एकमात्र विकल्प है, हम यही कह रहे हैं। कन्हैया जी, राहुल गांधी ने ये बार बार बोला है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी आईटी सेल और बहुत सारे लोग राहुल गांधी की इमेज को लेके सोशल मीडिया पे परसेप्शन मतलब बनाते हैं। आपको लगता है कि इस यात्रा के बाद वो सब परसेप्शन या फिर इमेज बिल्डिंग की बात फिर से आएगी या फिर चेंज हो रहा है या नहीं? देखिए, एक बात तो मैं कह रहा हूँ कि शायद राहुल जी ने अपने मुंह से ये बात कभी नहीं कहा होगा। उस इंसान को अपनी छवि की चिंता नहीं है। आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस इंसान के नाम में गांधी शब्द जो है ना, बस नाम के लिए नहीं है, उसको वो अपने जीवन में जीते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि किसी से भी नफरत मत करो, किसी के प्रति भी जो है ना बुरा भाव मत रखो, कोई तुमको कुछ भी कहे अपनी काम को जो निरंतर करो ईमानदारी से। हम लोगों को ये सच पहले से पता था। बात यह है कि जिनको ये सच मालूम नहीं था उनको ये सच मालूम हो रहा है। तो इसको यूं मत कहिए कि उनकी छवि सुधरेगी सुधर गई, ये सब गलत शब्द होगा। जो उनकी वास्तविकता है वो लोगों के सामने में आ गई है। और जहां तक उसको धूमिल करने का प्रयास है, वो बंद कब हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले ये प्रयास हो रहा था और भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये प्रयास खत्म हो गया, नहीं। आप देखिए कि किस तरह के सवाल उठाए गए जो अपने आप में पूरी तरह से गैर राजनीतिक सवाल हैं। किसी महिला का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, टी शर्ट कौन सी कंपनी का है, जूता कौन सी कंपनी का है, कंटेनर में एसी, ये सब राजनीतिक सवाल हैं। राजनीतिक सवाल तो ये होते ना कि आपको कैसे लगता है कि जो है समाज में नफरत बढ़ गया है, आप कैसे ये कह सकते हैं कि समाज में नफरत बढ़ गया है, ये राजनीतिक सवाल होता। ये राजनीतिक सवाल होता कि आप कह रहे हैं कि 45 साल में देश में सबसे बेरोजगारी है, आप कैसे दूर कीजिएगा बेरोजगारी, ये राजनीतिक सवाल होता। तो राजनीतिक सवाल तो उठाना नहीं है, लोगों के चरित्र के ऊपर हमले करने हैं। वो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, आगे भी हो रहा है, लेकिन हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। राहुल जी अपना काम कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी इस देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अपना इमेज बिल्डिंग जो है ना उनका एजेंडा नहीं है। धन्यवाद।